हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं नया मेथड जो कि रूट्स फाइंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिसका नाम है हम लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे एक मेथड देखा था जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्चुअली में ये मेथड क्या है हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के ऊपर से। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे है, दैट इज व्हाट 5x² - 6x - 2। अब गाइस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा है ना प्रीवियस मेथड से, तो इसके फैक्टर्स क्या बनने चाहिए, देखो ये बनेगा ए है हमारे यहाँ पे 5 और बी सी है हमारे यहाँ पे -2। तो बेसिकली ए और सी का अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो ये बनेगा कुछ -10। ओके, और -10 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए मुझे, उनका एडिशन मेरा 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दो ही बनेगी, दैट इज व्हाट 5 × 2 = 10, और इनका एडिशन एक तो आएगा 7, या फिर 5 - 2 बनेगा हमारा यहाँ पे 3 बनेगा, तो 6 आना पॉसिबल नहीं। और दूसरा बनेगा हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारा 10 × 1 = 10। ओके, एक लूंगा 10 और दूसरा लूंगा मैं 1, सो 10 × 1 = 10, एक तो एडिशन मेरा आना चाहिए 11 और 10 - 1 आना चाहिए 9, तो यहाँ पे 6 बन ही नहीं रहा। तो क्या ये एग्जाम्पल सॉल्व होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका आंसर है नो। तो इसलिए हमको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नया मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एग्जैक्टली ये मेथड क्या है हम लोग समझते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो गिवन मेरे पास इक्वेशन है मैं क्या करने वाला हूं उसको कुछ लिख देता हूं पहले, दैट इज 5x² ओके -6x एंड -2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो a नाम का कोएफिशिएंट है जो कि x² के साथ एसोसिएटेड है, मैं इसको हटा देना चाहता हूं, तो मैं करने वाला हूं 5 से डिवाइड बोथ साइड में, तो ये बनेगा x² ओके, ये बनेगा -6/5 × x, और ये बनेगा 2/5, और ये बनना चाहिए हमारा 0/5 मतलब 0 ओके। अब हम लोग ये -2/5 इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 2/5, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे बचेगा x² - 6/5 × x, जैसे कि हमारे यहाँ पे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, था हमको एक स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है, तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लेके आने वाला हूँ, दैट इज व्हाट a - b होल स्क्वायर। तो अगर मुझे a - b होल स्क्वायर करना है तो ये मेरा पहला टर्म है, और ऑब्वियसली ये वाले टर्म को हम कहेंगे सेकेंड टर्म। तो देखो मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं करने वाला x² ओके, और मैं यहाँ पे माइनस के बाद मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ, ये बनेगा 2, उसके बाद बनेगा 6/, ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करूंगा तो 5 × 2 बनेगा हमारा 10, तो ये बनेगा 10, और ये बनेगा हमारा × x मतलब ये पहला टर्म। हमको पता है कि पहले टर्म का स्क्वायर -2 × पहला × सेकंड टर्म, ये पहला टर्म और ये सेकंड टर्म, और बाद में होना चाहिए सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 6/10 का होल स्क्वायर, हम लोग लिख देंगे 6/10 का होल स्क्वायर, पर एक्चुअली में हम लोगों ने ये वाला टर्म एक्स्ट्रा मिल लिया है, कौन सा 6/10 हम लोगों ने एक्स्ट्रा मिल लिया है, तो हम लोग इस साइड में उसको लिख के उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 2/5 था ओके, और हम लोगों ने एक्स्ट्रा मिल लिया था 6/10 ओके, तो 6/10 को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा लाइक व्हाट, उसको लिख के। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, अब ये यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टर्म लिए थे ये आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो इक्वेशन तो हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा है ओके, ऊपर वाला इक्वेशन की तरह ये आने वाला है, तो चलो इसको हम लोग हटा देते हैं ओके। अब यहाँ पे आगे क्या होगा आप लोग खुद सोचो, तो ये बन गया हमारा होल स्क्वायर का फॉर्म, किसका फॉर्म है a - b होल स्क्वायर, तो a है हमारा x और b है हमारे यहाँ पे 6/10, ये हमारा 6/10 का होल स्क्वायर ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल्स, इधर में क्या चेक करते हैं हम लोग, इधर में हमारा 2/5 और यहाँ पे हमारा 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको और बढ़िया से सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी व्हाट, ये बनना चाहिए हमारा 2/5 और ये बनेगा 36/100, ये बनेगा 36/100। तो मुझे अगर यहाँ पे इस वाले टर्म में मुझे 100 चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 20 × 5 बनेगा 100, क्यों ना मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं ओके, तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 20 × 5 बनेगा 100, तो बेसिकली दोनों का डिनोमिनेटर 100 हो चुका है, और ऊपर बनेगा 20 × 2 बनेगा 40 और ये बनेगा 40+36 ऑलराइट, तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा 40+36, तो ये बनेगा हमारा 76/100 ऑलराइट। तो अब आगे तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हाफ आएगा हमारा 38 और ये आना चाहिए हमारा 50 आना चाहिए ओके, 100 का हाफ 50, तो अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा 19 और ये आना चाहिए हमारा 25 ओके। कुल मिला के हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे बराबर से लिख दिया, दैट इज व्हाट, ये हमारा पूरा टर्म आ चुका है 19/25। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये बन गया हमारा 19/25 और बाकी हमारा यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या था, तो ये था हमारा x माइनस 6/10, अब 6/10 मतलब होना चाहिए हमारा 3/5 ओके, ये बनेगा 3/5 का होल स्क्वायर ऑलराइट।
अब आगे, अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, तो हम लोग इसको इस साइड में आराम से लिख सकते हैं। ओके, तो क्यों ना मैं दोनों साइड में यहाँ पे स्क्वेयर रूट ले लूँ, सो हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। स्क्वेयर रूट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है, हम लोग को रूट फाइंड आउट करना है, तो हमको स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। तो अगर मैं टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो बनेगा ये एक्स माइनस 3/5 और यहाँ पे हमारा स्क्वेयर वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा हमारा प्लस माइनस और ये जाएगा स्क्वेयर रूट के अंदर, दैट इज व्हाट 19/25। तो इधर में है हमारा x माइनस 3/5 और ये बनेगा हमारा प्लस माइनस 19 का स्क्वेयर रूट नहीं पता, ये बनेगा रूट 19 और ये आएगा 5। क्यों ना ये माइनस 3/5 उधर जाएंगे तो बन जाएगा प्लस, तो x इक्वल्स तो बनेगा 3/5 प्लस माइनस ऊपर में आएगा रूट 19 नीचे में आएगा 5। तो यहाँ पे x के दो रूट्स बन चुके हैं, एक है हमारा x इक्वल्स टू 3/5 एंड दूसरा हमारा x इक्वल्स टू 3/5 ये हमारा प्लस, आगे में प्लस लिखना भूल गया मैं प्लस, और यहाँ पे बनेगा रूट 19/5, ये बनेगा हमारा रूट 19/5 एक बार में प्लस, और दूसरा रूट बनेगा हमारा x इक्वल्स टू 3/5 और बनेगा माइनस रूट 19/5। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या यही चीज मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता था, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ओके, तो इसलिए हम लोगों को है ना रूट फाइंडिंग जो मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसलिए ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली मैं आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, अब मैं यही दिमाग लगाने वाले हम लोग हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। तो चलो हम लोग समझते हैं एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर स्टडी कर लिया है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। तो देखो, पहला स्टेप है कि हम लोगों को जो भी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर देन प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो, गाइस ये होगा हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको ए को एलिमिनेट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ए ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो पहले इसमें बनेगा a अपॉन a बनेगा हमारा 1, देन ये बनेगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस ये बनना चाहिए हमारा c अपॉन a इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे ये c अपॉन a हमको इस साइड में भेजना है थर्ड वाले स्टेप पे, तो इस साइड में भेज दूंगा तो ये बनेगा माइनस c अपॉन a और यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे होल स्क्वेयर का फॉर्म लेके आना है। होल स्क्वायर का फॉर्म होगा अगर आपको यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो आपको अगर ऐसा करना है यहाँ पे तो क्यों ना आप लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, तो ये एडजस्टमेंट कुछ ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म है आपका एक्स इंटू सेकेंड टर्म है आपका बी अपॉन टू ए, सो बी अपॉन टू ए। तो गाइस आप लोगों का ये जो सेकेंड टर्म है उसका होल स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज व्हाट बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है, जो ले आया है उसको आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, इस साइड में उसको एज इट इज लिख दो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने के बाद ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लाइक ये और ये कैंसिल आउट होके हमारा यही इक्वेशन आने वाला है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं। ओके, सो हम लोगों ने जैसे लिख दिया और बाकी जो हम लोग का था माइनस सी अपॉन ने आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो आपके पास एक चीज आ चुकी है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो गाइस ये ए है हमारा एक्स और बी हमारा बी अपॉन टू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज व्हाट एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू इधर में क्या है आपका, ये है आपका बी स्क्वायर अपॉन आपका 4a² माइनस सी अपॉन ए। ओके, अब क्यों ना मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन करना है, मैं इसको ए स्क्वायर कर दूं, तो ए स्क्वायर करने के लिए ऊपर और नीचे मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बनेगा हमारा ए सी बनेगा और यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर, और भी 4 चाहिए 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे में, तो बनेगा 4ac नीचे बन गया 4a². ओके, तो यहाँ पे अभी सब कुछ हो चुका है, तो ये हमारा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a², बट यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स बनेगा हमारा, दैट इज व्हाट स्क्वायर रूट मतलब प्लस माइनस है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और ऑब्वियसली 4a² का स्क्वायर रूट आएगा हमारा प्लस माइनस 2a। ओके, प्लस माइनस 2a, हमको x का वैल्यू चाहिए गाइस, तो x इक्वल्स टू बनेगा ये b अपॉन 2a जाएगा उधर में बनेगा माइनस b अपॉन 2a और बाकी हमारा प्लस माइनस यहां पे बनेगा हमारा b² माइनस 4ac और ये बनेगा अपॉन 2a। ओके,
सो पहला रूट आएगा प्लस के फॉर्म में, ये प्लस साइन, और दूसरा रूट आएगा हमारा माइनस साइन के फॉर्म में। तो आएगा एक्स इक्वल्स टू, पहली बार में आएगा हमारा, देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पहली बार में आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए, और ये बनेगा प्लस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरी बार में ये रूट बनेगा, ये साइन चला जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस साइन। ओके, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं है ना, फॉर्मूला मेथड, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस मेथड। अगर मैं मान लो यहां पे जो भी हम लोग का डिनोमिनेटर में कॉमन कर दूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा माइनस बी, और यहां पे बनेगा प्लस माइनस। ओके, ये हटा देता हूं मैं एग्जैक्टली तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो ये मैं लाइन हटा देता हूं, तो ये बनेगा बी माइनस बी प्लस माइनस, ये बनेगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड है और यही हमारा फॉर्मूला है। बेसिकली फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सेम ही है। ओके, बट एक बार हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया तो हम लोग जिन नंबर से फैक्टर ढूंढ नहीं पाएंगे तो इसको हम लोग इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्चुअल मेथड के ये सभी के सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो क्यों ना हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करें, तो चलो देखते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स। ऑलराइट, तो मैं लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल जो कुछ ऐसा है, और मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी में से एग्जांपल उठाया है 4x² + 3x + 5। गाइस ये वाला एग्जांपल जो है हमको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो चलो फॉलो करते हैं स्टेप। तो स्टेप क्या हमारा कि हम लोग को पहले a हमको एलिमिनेट करना है, तो डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, ये बनेगा x² प्लस ये बनेगा 3 अपॉन 4x प्लस ये बनेगा 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। देन ये 5 बाय 4 इस साइड में भेज दो, ये बनेगा हमारा माइनस 5 बाय 4। ओके, ये हमारा सेकेंड स्टेप, x² प्लस ये बनेगा हमारा 3 बाय 4x। ओके, देन हम लोग को यहाँ पे सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप हमको लेके आना है, यानी सेकेंड टर्म हमारा होता है a स्क्वायर 2ab, 2ab तो हमारा a है यहाँ पे x, तो हमको 2 चाहिए था, 2 into x है ना, और ये हमारा 3 by 4, 3 by 4 को क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दूँ, हम लोगों ने जो 2 एक्स्ट्रा लिया था तो मैं यहाँ पे ये 2 यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए लिख देता हूँ, तो दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे, तो क्यों ना बनेगा 2 into दैट इज व्हाट 2। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग। ओके, सो अब आगे आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप लोग कुछ अलग, सो ये 3 upon 2 into 2 into 4 बनेगा, तो बेसिकली क्यों ना मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे 4 कर दूँ। ओके, सो ये बनेगा 4, तो हम लोग थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 by 4 था, तो इस 3 by 4 को हम लोग 3 by 4 कर देंगे, बट हम लोगों ने जो 2 एक्स्ट्रा लिया था ये वाला 2, उसको हम लोग फिर से नीचे में लेके आएंगे, मतलब नीचे भी लिख देंगे 2, तो 4 2 का बनेगा हमारा 8, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, ये b, ये हमारा a है, x मतलब a और 3 by 8 मतलब b। ओके, अब हमको चाहिए b का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 3 by 8 का होल स्क्वायर, तो 3 by 8 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी लेना है, मतलब ये एक दूसरे को कर देंगे एलिमिनेट, तो बनेगा 3 by 8 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -5/4। गाइस हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है जो कि हमारा अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आएगा हमारा इसका x प्लस ये हमारा 3 by 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी हम लोग उसको थोड़ा सा कर देते हैं, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 8 का स्क्वायर बनेगा 64, ये बनेगा -5/4, ये बनेगा -5/4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये हमारा 64 बनेगा, हमको 16 से करना पड़ेगा, 16 4 64, ऊपर नीचे आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा x प्लस 3 upon 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा 9 और ये बनेगा हमारा -90/, ये बनेगा हमारा 64। ओके, तो ये बनेगा x प्लस 3 by 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 9 minus 90, ओके, तो ये आना चाहिए हमारा -81/64। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, अब मैंने मान लो यहाँ पे स्क्वेयर रूट ले लिया, तो ये क्या आएगा x upon 3 by 8, और ये बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ, ये बनेगा हमारा -81/64। बट गाइस हम लोग इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो द प्रॉब्लम इज दैट हम लोगों ने ये आएगा 16 5 80, दिस इज नॉट 90। ओके, ये 90 minus 9 आएगा हमारा 71। ओके, लिटिल बिट मिस्टेक इज देयर, 71, बट माइनस साइन है वहां पे, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं ले सकते, तो माइनस साइन का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसलिए इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल नंबर नहीं आएंगे,
हमको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए ये फैक्टर्स आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इसलिए हम लोग इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यहाँ पे डिसएडवांटेज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग किन किन नंबर या फिर किन किन क्वाड्रेटिक हम लोग इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, हम लोग ये आगे पढ़ने वाले। ओके, बट हम लोगों ने एग्जांपल इसलिए लिया था कि ये कहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे, तो हम लोगों ने इसको यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। ऑलराइट, इसके जो भी रूट्स आएंगे वो आएंगे हमारे इमेजिनरी रूट्स, और ये हमको क्लास 11 में पढ़ना है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो इस वाले एग्जांपल में हम क्या करना है, हमको यहाँ पर कुछ ऐसे गिवन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद -3abx +2b2। गाइस, हमको ये सेम स्टेप फॉलो करने हैं, और ऐसे फॉलो करके हमको रिजल्ट लेके आना है, जबकि रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और हमारा वेरिएबल यहाँ पे कौन है, हमारा वेरिएबल यहाँ पे x है। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम लोग a को ए स्क्वायर को एलिमिनेट करें, तो डिवाइड बाई ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो हमको ऐसा अगर करना है तो ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बनेगा x स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर से डिवाइड करना है आपको, तो ये बनेगा 3b, ये बनेगा x अपॉन ए स्क्वायर का एक a चला गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ a। देन यहाँ पे बचेगा हमारा 2b स्क्वायर, ये बनेगा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट, क्या बात समझ में आ गई? तो हम लोगों को अभी ये 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उस साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा -2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते, दैट इज व्हाट x स्क्वायर, ये बनेगा -3a/3b अपॉन a इंटू x। राइट, बट हमको चाहिए होल स्क्वायर के फॉर्म में ये साइड, तो इसको हमको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये 2 हमको चाहिए, ये पहला टर्म मतलब x है ना, तो 3b हम लोग ने जो 2 एक्स्ट्रा लिया था उसको यहाँ पे नीचे में लिखना पड़ेगा, बनेगा 2a। तो गाइस, हमारा जो b टर्म है तो ये आ गया 3b अपॉन 2a। ओके, प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा हमारा 9b स्क्वायर अपॉन, ये बनेगा हमारा 4a स्क्वायर, और ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म है, हमको उसको इस साइड में लिख के इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बनेगा 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर -2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, तो क्यों ना मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और नीचे में इस स्टेप में, तो ये बनेगा हमारा कुछ यहाँ पे, मैं 4 से मल्टीप्लाई करके उसको बाद में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो दिस विल बी व्हाट अ बेस्ट थिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी, ये बनेगा हमारा 4a स्क्वायर और 4 2 बनेगा हमारा 8। ओके, तो यहाँ पे 9b स्क्वायर में से अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं, और इस साइड में बन गया हमारा ये होल स्क्वायर फॉर्म। किसका है हमारा ये होल स्क्वायर, हमारा एक्स, देन ये हमारा माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओके, और इक्वल्स टू यहाँ पे 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर चला गया, तो बच गया सिंपली b स्क्वायर, और नीचे में हमारा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है दोनों साइड में, हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी x माइनस 3b अपॉन 2a इक्वल्स टू बनेगा प्लस माइनस b अपॉन, ये बनेगा हमारा 2a। क्यों ना माइनस 3b अपॉन 2a उस साइड लेके जाएंगे, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा प्लस माइनस b अपॉन 2a, ये बनेगा हमारा प्लस, ये बनेगा 3b अपॉन 2a। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे प्लस माइनस को हम लोग एक बार में लेके हम लोग दो अलग अलग रूट हमारे निकाल सकते हैं। तो एक आएगा हमारा x इक्वल्स टू, पहली बार में अगर मैं प्लस दूंगा तो ये बनेगा b अपॉन 2a प्लस 3b अपॉन 2a, ये बन गया पहला रूट। और दूसरा वाला बनेगा हमारा x इक्वल्स टू, बनेगा माइनस, ये माइनस साइन ले लिया मैंने, माइनस b अपॉन 2a प्लस 3b अपॉन 2a, तो ये बन गया हमारा सेकेंड रूट। ओके, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल अलग है हमारे लिए। ओके, तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू ऑलरेडी 1 किया है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, तो हमारा स्टेप नंबर 2 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा देखो x स्क्वायर और ये माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा माइनस रूट 2। ओके, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये आएगा 2, ये आएगा पहला टर्म और ये आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट रूट 2 प्लस 1। बट हम लोगों ने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ले लिया था, तो आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, यहाँ पे उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर किसका करना पड़ेगा आपको, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो लिया है उसको इस साइड में भी लिख दो, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट इज व्हाट रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2। ओके,
तो चलो आगे कर देते हैं। तो यहां पे आपको दिखाई देगा ये होल स्क्वायर है, किसका, a माइनस ये b होल स्क्वायर। तो चलो लिख देते हैं, a है हमारा यहाँ पे x माइनस b, कौन है हमारा गाइस, ये हमारा b है, रूट टू प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा रूट टू प्लस वन, और ये होल स्क्वायर है हमारा, नो इश्यू, और नीचे में टू का स्क्वायर बनेगा हमारा फोर, ये माइनस रूट टू है, ओके, क्यों ना रूट टू का भी हम लोग यार डिनोमेटर फोर ले लो, ऊपर नीचे में फोर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आगे में बचेगा हमारा, देखो इस साइड में क्या रहेगा, ये फोर तो हमारा आ चुका है, तो बनेगा रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर रूट टू, ओके। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये बनेगा रूट टू का स्क्वायर टू, ये बनेगा हमारा प्लस टू टाइम्स रूट टू, ये बनेगा प्लस वन, और ये बनेगा माइनस फोर टाइम्स रूट टू, और इधर में हमारा एक्स माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, ओके। देन नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा इधर में जगह बना लेते हैं लिखने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट थिंग हमारा ये है, ये हमारा x, ओके, ये हमारा है x माइनस रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, यहां पे देखो टू रूट टू और माइनस फोर रूट टू, मतलब ये बन गया हमारा टू प्लस वन बन गया हमारा थ्री, और ये बन गया हमारा माइनस टू टाइम्स रूट टू डिवाइड बाय फोर, ओके। तो ये बन गया टू टू जा फोर, सॉरी ये टू टू जा फोर नहीं बनेगा क्योंकि ये x को डिवाइड नहीं कर रहा है, ओके, ये सिर्फ हमारा x को छोड़ के है, तो ये टू टू जा फोर नहीं बनेगा क्योंकि ये पूरे चीज को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे है, रूट टू प्लस वन बाय टू है, ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस रूट टू प्लस वन, ओके, प्लस वन बाय टू, ओके, इक्वल्स टू ये बनना चाहिए हमारा प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस फोर का स्क्वेयर रूट आएगा हमारा टू, तो ये आएगा वन बाय टू, और ये आएगा थ्री माइनस टू टाइम्स रूट टू, ओके। क्यों ना हम लोग ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उस साइड में भेज दे, तो दिस विल बी हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बाय द वे दो एक्स के वैल्यू पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे फॉर श्योर, ओके। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, थैंक यू वेरी मच।